शामाना के साथ और मीडिया माइंड की टीम के साथ वो बहुत अच्छा रहा है हमारा। हमने अपनी बेटी को जो एक्सपीरियंस करवाया है इनके साथ वो इसलिए क्योंकि जो है हम चाहते थे कि वो पॉलिश हो और एक प्रोफेशनल के साथ पॉलिश हो। और माशाल्लाह से शबाना ने फिर बहुत मेहनत की है और इसको बहुत वेल पॉलिश किया है और वी होप कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। प्रोफेशनल की जो पॉलिशिंग होती है उसका भी बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आया सुनैरा की आइंदा की वीडियो में। इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर ये सुनैरा जो हैं शबाना के साथ फिजिकल क्लासेस में शामिल होती हैं वो बहुत अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुनैरा ने एडमिशन लिया तो उसका कोविड बहुत ज़्यादा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने और शबाना ने ये फैसला किया कि ऐसे हम क्लासेस ऑनलाइन लें। लेकिन फिर भी ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें बहुत इन्जॉय किया सुनैरा ने और बीइंग अ पेरेंट सबने बहुत इन्जॉय किया। टाइमिंग हमें कोई इशू नहीं रहा, शबाना ने बहुत अच्छी तरह से बहुत कोऑपरेशन के साथ और ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रही सुनैरा के साथ, तो सुनैरा भी बहुत खुश रही और उन्हें खेल खेल में बहुत अच्छा सीख लिया। बच्चों के लिए ये है कि अगर इवनिंग में उनकी क्लासेस रहें वो बहुत अच्छा है उनके लिए, इसलिए कि बच्चे बहुत सुकून से होते हैं। सुनैरा की हमने क्लासेस भी इवनिंग में इसलिए कराई थी कि वो टाइम बच्चों का ऐसा होता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। मॉर्निंग आफ्टरनून उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होते हैं, उसमें जो है उनकी स्टडी भी ख़राब ना हो और उनकी जो है दूसरी एक्टिविटीज़ भी चले हैं। तो ये हमारा बेसिक था कि सुनैरा जो है बिल्कुल कंफर्टेबल वे में इवनिंग रहे। तो हमारी सजेशन ये है, स्पेशली मेरी तो एज अ पेरेंट और फादर ये सजेशन है कि इवनिंग जो है वो बेस्ट है टाइमिंग बच्चों के लिए, जिसमें वो इस चीज़ को अपने इंटरेस्ट को जो है वो आगे बढ़ाए। मुझे सिर्फ इतना याद है हम खाते पीते थे।